सो गाइज गुड मॉर्निंग, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और गाइज अभी हूँ मैं ऊपर वाले घर पे और गाइज यहाँ से व्यू देखिए आप, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। और आज बहुत दिनों बाद धूप आई है तो सामने कुछ ऐसा व्यू आ रहा है और संतरे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, जल्दी खाने वाले हैं, साथ में नारंगी भी। सो गाइज आज का टॉपिक रहने वाला है कि पहाड़ी डिश है एक मुंगरी की, मक्का की तो हम उसको बना रहे हैं, काफ़ी टाइम से मेरी दादी बनाती है तो आज भी हम उसी डिश को बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार उसकी वीडियो बनाई जाए और आप सभी को दिखाई जाए। तो चलिए गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे शुरू करते हैं। मेरा नाम है अंकित सिंह और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी आगे ऐसी वीडियो बनाने का मौका मिलता रहे। तो गाइज अभी दादी ने कहा है कि मिर्ची लेके आना है तो मिर्ची लेने चलते हैं। और गाइज यहाँ पर हैं कुछ मिर्च और इन मिर्चों का काम है, काफ़ी काम है, थोड़ी और निकाल लेते हैं। गाइस इस टाइप की होती है मुंगरी और इनको छिलना है, चलो इसमें छिलते हैं। तो इनको छिल के और चलिए गाइस अब मुंगरी छिलना स्टार्ट करते हैं। और कुछ मुंगरी दादी ने पहले ही छिल ली है और कुछ हम छिलते हैं, काफ़ी मुश्किल हो रहा है इनको छीलना, खैर कोशिश करेंगे हम। और अब मुंगरी देते हैं दादी को और हम कुछ और काम कर लेते हैं। ये कुछ मसाले लिए हैं मैंने और अब इनको छीलते हैं। गाइस मसाले छिल चुके हैं और अब टाइम है इनके पीसने का, फटाफट से इनको पीस लेते हैं। और गाइस मुंगरी छिल चुकी हैं, चलो अब इनको पीसते हैं। गाइस हमारा लगभग सभी चीज पिस चुका है और इसको भी हम इसी में मिक्स कर देते हैं और इसमें पानी डाल के इसमें डाल देंगे। तो ये कुछ ऐसा हो गया है। और गाइस अब इसमें मसाले डाल देते हैं, ये घर के मसाले, और इन सभी को मिक्स करेंगे। इसमें एक चीज़ और पड़ेगी अभी। और गाइस यहाँ पे मसाला बन चुका है और ये है हमारा आग जलाने का यंत्र, ये सभी के घरों में होता है तो बाहर पे बनाना है ना जैसे घर, तो इस यंत्र का यूज होता है। देखो इसमें आग जल रही है और ये है तवा, इसके ऊपर रखेंगे तवा। दूसरा वाला तवा कहाँ गया हो, चलो तो शुरू करते हैं बन। और मसाले भी हमारे रेडी हैं और तवा भी हमारा रेडी है तो चलिए गाइस बनाना शुरू करते हैं। और दादी आ चुकी है, और देखिए गाइस क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। इसमें थोड़ा नमक डाला जा रहा है, और दादी काफी तैयारी में।
गाइस दादी लगी हुई हैं पीछे बनाने पे, और तब तक मैंने सोचा कुछ मैं अपने काम निपटाता हूँ फटाफट से, फिर उसके बाद खाने का अलग ही मज़ा आता है। तो और गाइस कुछ दिन पहले यहाँ पे ककड़ी का लगला था जो, वो हमने निकाल दिया है, और देखिए अब कितना खाली खाली हो गया है। और यहाँ पे दादी ने आजकल कुछ बो दिया है, तो आई होप बहुत जल्दी हो जाएगा। बाकी सामने का व्यू देखिए आप, कितना ज़्यादा धूप लगा हुआ है। और गाइस अब लगने लगी है मेरे को थोड़ी सी भूख, तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कैसा बनाया है। माय गॉड, और ये देखिए गाइस क्या बात है। तो इनको अंदर ले जाता हूँ, ये मेरे हिस्से के हैं शायद। और आपको क्या लगता है कितना टेस्टी होगा ये? ओके, तो गाइस अब टेस्ट करने का टाइम हो चुका है, और मैं भी टेस्ट करके बताता हूँ आपको कि कैसा बना हुआ है। दादी ने काफ़ी मेहनत की है और मम्मी ने भी थोड़ी सी मेहनत की है। तो चलिए गाइस अभी आ चुके हैं हम इसको टेस्ट करने और खा के बताते हैं आपको। गाइस मैंने लिया है देसी घी लिया है, और ये लिया है, और दूध लिया है। बाकी गाइस अब मैं इंजॉय करता हूँ इसको आप। और गाइस अभी टेस्ट करने का टाइम आ चुका है, और ये लिया मैंने एक पीस, ये देसी घी लगा रखा है मैंने इसको। बहुत टेस्ट, और गाइस सुपर टेस्ट। गाइस ऐसा हो रहा है जैसे पिज्जा होता है, बस चीज की कमी है। अगर चीज होता तो सेम पिज्जा है, पिज्जा से भी टेस्टी है। मैं बोलूंगा पिज्जा से थोड़ा ऊपर ही टेस्ट होगा। दादी सुपर बना दिया है, दादी के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है गाइस, क्या बताएं आपको। अभी मैं तो इसको एंजॉय कर रहा हूँ भाई, वीडियो में बाद में करूँगा। सो गाइस अभी मेरे को कुछ मत पूछो क्या है कैसा है, बहुत टेस्टी बना था, मैंने पूरे 3 खाए हैं। और अभी मेरा पेट फुल हो चुका है, और मम्मी अभी लंच बना रही है, तो कोई आइडिया नहीं है कि मैं लंच करूँगा नहीं करूँगा। वीडियो बन चुकी है, वीडियो एडिटिंग शाम को करूँगा, या फिर हो सकता है अब खा लिया है इतना कि कल भी कर सकता हूँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, फैला दो गाइस, फैला दो ये वीडियो। तो तब तक मैं सो रहा हूँ, और इनकी फेस पे बिल्कुल मत जाइए आप, इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये सब काम हमने किया है, और ये लास्ट में खाली अपना हाथ लगाने आ गई है। और ये देखिए ये अपने लिए जानबूझ के तेल ज़्यादा यूज कर रही है ताकि ज़्यादा टेस्टी हो जाए। लगे रहो आप, ओहो। और ये अपना सारा गुस्सा निकाल रहे हैं इसमें। दादी अंदर खा रही हैं बटूड़ी, कितना स्वादिष्ट हो रहा है दादी।